हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC PT को लेकर बात करेंगे एंड डबल बेंच कोर्ट में क्या हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी SSSC PT को लेकर जो भी हो रहा है ये सब आयोग ने पहले से सोच रखा था, पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। कोर्ट से स्टूडेंट को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट भी वही करता है जो सरकार चाहती है। तो 18 अगस्त को कोर्ट का फैसला आया और आयोग ने इससे पहले ही 17 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तो हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट का कहना है कि स्टूडेंट अपनी लापरवाही की वजह से आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें मौका दिया गया था, अब स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाएगा। तो पीटी मैटर डबल बेंच पहुंचा, लगभग 100 स्टूडेंट, तो लगभग 100 स्टूडेंट के साथ इस मामले को लेकर युवा डबल बेंच पहुंचे। वहां से भी स्टूडेंट को निराशा मिली है, आपको बताने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वहां से भी स्टूडेंट को निराशा हाथ लगी है। वहां भी कहा गया अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 4 दिन का टाइम बचा है, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है, इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं दे सकते, हम हाईकोर्ट के फैसले की कद्र करते हैं, इस पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, यही सब कह के इस मामले को खारिज कर दिया गया। तो वहाँ से भी स्टूडेंट को निराशा लगी है। तो मेरी बात को सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, अब सभी युवाओं को एकजुट होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है और अपनी बात को रखना है। तो आज ट्विटर अभियान का आयोजन किया जा रहा है, सभी युवाओं को 11 बजे से ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, तो रिट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को ट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचाया जा सके। तो सभी स्टूडेंट को सहयोग करना है, सभी स्टूडेंट को एकजुट होकर ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है, अपनी मांग को रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।